कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में हुए शामिल। हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा रावत को टिकट दिए जाने के बाद कांग्रेसियों का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के चलते क्षेत्र के चलचित्र कांग्रेसी नेता जगपाल सिंह सैनी 1000 समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में माँ बेटे ने और प्रदेश में बाप बेटी ने कांग्रेस को खो दिया है, इसीलिए अब कांग्रेस में कुछ नहीं बचा है। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रही है, सबको बारी बारी सक्रिय नेताओं को आगे बढ़ाने का मौका देने वाली पार्टी सिर्फ बीजेपी है। इस क्षेत्र में स्वामी यतीश्वर आनंद द्वारा चहुमुखी विकास किया गया है, इसी के कारण उनकी जीत सुनिश्चित है। और अनुपमा रावत को सीट पर भारी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि हरीश रावत भी सीट पर 10,000 से ज़्यादा भारी अंतर से हार गए थे। कांग्रेस पार्टी जो है वो केंद्र में माँ और बेटे की पार्टी है और उत्तराखंड में पिता और पुत्री की पार्टी हो गई है। आम कार्यकर्ता इस वक्त त्रस्त है, जिन उम्मीदों के कारण उसने कांग्रेस में काम किया है वो उसको सम्मान नहीं मिल रहा है। हरिद्वार ग्रामीण पर पूरे 5 साल यहाँ के कार्यकर्ताओं ने अपना काम किया है और आज टिकट हरीश रावत जी ने अपना भी ले लिया, अपनी बेटी को भी यहाँ भेज दिया है। यहाँ के स्थानीय लोगों को टिकट मिलना चाहिए था, तभी यहाँ वो बात बनती। और इसी बात को लेकर यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और उसने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए सैकड़ों आदमियों के साथ आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। आज कार्यक्रम में माननीय निशंक जी पूर्व मुख्यमंत्री और स्वामी विवेकानंद जी जो हमारे मंत्री हैं वो कार्यक्रम में थे, और ऐसा लगता है कि स्वामी यतीशानंद जो है वो बहुत ही अच्छे मतों से इस बार विजयी हुए।